अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कंडीशन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। सवाल में कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन खलाई नली में हालत सुकून से हरकत करना शुरू करता है। एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब, खलाई नली में एक इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग शुरू कर रहा है हरकत करना फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू कर रहा है। इससे पहले जो दो क्वेश्चन हमने किए उसमें और इस क्वेश्चन में वाजे फ़र्क ये है कि पहले दो क्वेश्चन में कोई ना कोई वेलोसिटी गिवन थी, जो चीज़ हरकत कर रही थी मतलब कार और बुलेट जो हरकत कर रही थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी, वो रेस्ट में नहीं थी। लेकिन इस सवाल में इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो हरकत करना शुरू करता है रुकी हुई हालत से, रेस्ट की हालत से, इस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड यकसा तौर पर इसरा पजीर हो जाता है, मतलब उसमें यकसा तौर पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है किसके ज़रिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बरकी मैदान के जरिए। सो दैट इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 6 exponent 6 meter per second, और इस तरह उस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कितनी हो जाती है, 6 exponent 6 meter per second, मतलब इलेक्ट्रॉन की रफ्तार तब्दील हो गई। After covering a distance of 1.8 centimeter, इतनी देर में इलेक्ट्रॉन ने कितना फासला कवर कर लिया, 1.8 centimeter। तो आपको तीसरी लाइन में एक वेलोसिटी नज़र आ रही है और चौथी लाइन में आपको इलेक्ट्रॉन का तय किया जाने वाला फासला नज़र आ रहा है। कह रहे फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर अमल करने वाली फोर्स यानी कुव्वत मालूम करें, और इलेक्ट्रॉन का मास सवाल में आपको दे दिया क्या है, 9.1 exponent -31 kilogram। यहाँ आपने एक चीज़ जिस पर गौर किया वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन रुकी हुई हालत से हरकत शुरू कर रहा है, और दूसरी बात देखिए आखिरी लाइन में जो फोर्स मालूम करने के लिए कही गई है वो ना तो रिटार्डिंग है, ना डेसिलरेटिंग है, ना अपोजिंग है। क्यों, याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि जब किसी फोर्स की वजह से हरकत हो रही होती है तो वो पॉजिटिव नेचर की होगी, और जब कोई फोर्स किसी बॉडी को रोकने के लिए इस्तेमाल हो तो वो नेगेटिव नेचर की होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन रुकी हुई हालत से हरकत में आया है, मीन्स फोर्स हरकत करवा रही है, हरकत को ख़त्म नहीं कर रही, तो पॉजिटिव नेचर की होनी चाहिए। इसलिए सिंपल वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, फोर्स, ना डेसिलरेटिंग ना रिटार्डिंग। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हम डेफिनेटली डेटा बनाएंगे, डेटा बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं और क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन रुकी हुई हालत से हरकत शुरू कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ही नहीं, रुका हुआ है, अगर नहीं होगी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 meter per second। कंडीशन ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, रेस्ट की कंडीशन बताई गई है। इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो गया और फिर कुछ देर बाद उसकी रफ्तार कितनी हो गई, 6 exponent 6 meter per second। अगर इनिशियल स्पीड जीरो थी तो फिर ये कौन सी वाली स्पीड होनी चाहिए, डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये होनी चाहिए फाइनल स्पीड, जिसको हमने जाहिर कर दिया वी एफ से, वी एफ हो गया 6 exponent 6 meter per second। इलेक्ट्रॉन की रफ्तार जब तक 0 से 6 exponent 6 meter per second हुई उतनी देर में इलेक्ट्रॉन ने कितना फासला कवर कर लिया, 1.8 सेंटीमीटर का, तो डिस्टेंस यहाँ पर हो गया 1.8 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक कन्वर्ट करें ताकि हर जगह पर यूनिट का सिस्टम सेम हो जाए, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब बात यह है कि सेंटीमीटर छोटा होता है या मीटर छोटा होता है, तो डेफिनेटली सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, और मैंने आपको उसूल क्या बताया है कि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे आप, 1.8 को डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करेंगे किससे, तो यहीं से पता चल रहा है, सेंटी, सेंटी मीन्स 100, CENT सेंट का मतलब होता है 100, तो 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.018 meter। मास आपको यहाँ पर दे दिया है 9.1 exponent -31 kilogram, तो मास को हम लिख लेते हैं 9.1 exponent -31 kilogram, और आखिरी सेंटेंस पढ़ें तो आपको मालूम क्या करनी है, फोर्स, फोर्स मालूम करनी है, रिक्वायर्ड यहाँ पर क्या है, फोर्स। तो हम यहाँ यूँ लिख लेंगे कि F जो हमें मालूम करना है
अब उसको देखते हैं कि वो किस तरह से मालूम की जाए। इससे पहले भी दो न्यूमेरिकल्स में हम फोर्स मालूम कर चुके हैं, तो फोर्स मालूम करने के लिए वही अप्रोच अप्लाई करेंगे जिससे पहले हमने यूज़ की है। हम जानते हैं कि न्यूटन के क्वांटिटेटिव लॉ यानी सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। चेक कीजिए ज़रा कंडीशन, क्या मास हमें मालूम है? बिल्कुल मास हमें मालूम है, तो एक मसला तो हमारा ऑलरेडी हल हुआ हुआ है कि मास इस दफ़ा हमें मालूम है। दूसरी चीज़ है कि एक्सीलरेशन, क्या एक्सीलरेशन हमें मालूम है? नहीं मालूम, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन। इसलिए मैं उसका इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अब एक्सीलरेशन कैसे मालूम करेंगे उस पर गौर करें। एक्शन का ताल्लुक होता है हरकत से, तो हरकत को मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ लिखी हुई हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ लिख दी हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सीलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो आपको फाइनल स्पीड पता होनी चाहिए, चेक कीजिए आपको मालूम है। इनिशियल स्पीड आपको पता होनी चाहिए, चेक करें वो भी आपको मालूम है। टाइम आपको मालूम होना चाहिए, टाइम नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए अगर आप एक्सीलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें, चेक करें क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है। जी हाँ बिल्कुल मालूम है। इनिशियल स्पीड आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है। वही मसला जो ऊपर वाली इक्वेशन में था यहाँ पर भी आ रहा है, टाइम हमें नहीं बताया गया, लिहाजा फिलहाल हम ये वाली इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक कीजिए, यहाँ से अगर आप एक्सीलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, फाइनल स्पीड पता होनी चाहिए, इनिशियल स्पीड पता होनी चाहिए, तीनों चीज़ें मालूम हैं। लिहाजा एक बार फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके एक्सीलरेशन मालूम कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या आता है एक्सीलरेशन इस सूरत में। फर्स्ट फाइंडिंग एक्सीलरेशन, टू ए एस इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। टू ए आपको मालूम करना है, एस की जगह पर 0.018, वी एफ स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर मीन्स 6 एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर, वी आई स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0.018 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.036 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। 6 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर ले लीजिए तो सॉल्व होकर ये आ जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 13 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। आपको मालूम करना है एक्सीलरेशन, एक्शन मालूम करना है, तो जाहिर है कि 0.036 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा, और जब ये दूसरी तरफ आएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन इक्वल्स 3.6 एक्सपोनेंट 13 डिवाइडेड बाय 0.036। सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन आपके पास आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट 15 और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्शन आपने मालूम कर लिया 1 एक्सपोनेंट 15, जो कंडीशन रिक्वायर्ड थी आपने वो रिक्वायर्ड कंडीशन पूरी कर दी। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मास और एक्सीलरेशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगी, फोर्स। तो फाइनल स्टेप की तरफ अब हम जा रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स F इक्वल्स, मास की जगह पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास जो कि 9.1 एक्सपोनेंट -31 गिवन है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सीलरेशन से जो कि 1 एक्सपोनेंट 15 आपने कैलकुलेट किया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9.1 एक्सपोनेंट -16 न्यूटन, ये आ गई फोर्स। यहाँ देखिए ना तो एक्शन के साथ नेगेटिव साइन आया ना फोर्स के साथ, क्योंकि ये रोकने वाली फोर्स नहीं थी बल्कि हरकत में लाने वाली फोर्स थी जो कि पॉजिटिव नेचर की होती है। तो इस तरह हमने एक और न्यूमेरिकल के ज़रिए ये सीखा कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है और किस तरह न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स मालूम करनी है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आसान लगना शुरू हुए होंगे। हम मजीद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रेलिवेंट, जब तक आप इन तीनों न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो वो नोट करते रहें और मुझसे पूछते रहें। थैंक यू।